हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो चुकी है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं बाइक में प्रॉब्लम हो गई है और इसका पहिया खोल दिया गया है और आगे से ब्रेक भी खोल दिए गए हैं। इसके बाइक के ब्रेक शूट डैमेज हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अचानक मेरी बाइक ख़राब हो गई है और आप लोग देख सकते हैं पूरी गाड़ी के पहिए वगैरह खुल गए हैं। प्यार अब जी दिखा रहे हैं, गाड़ी का पहिया निकल चुका है। दोस्तों अब इसकी रिपेयरिंग चल रही है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं नए ब्रेक शू डल रहे हैं बाइक में और बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों बाइक की रिपेयरिंग चल रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आरो पहिया चला रहे थे और ये ब्रेक्स हुए हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं बाइक के और नए ब्रेक्स डल रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आरो पहिया लेके घूम रहे हैं बाइक का, तो नए ब्रेक्स डल रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है बाइक में, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे तो अब इसको चेंज करवा रहे हैं। आरो पहिया रख दो। हेलो दोस्तों, हम सामान लेने आ चुके हैं मार्केट से। ये है मार्केट और हम सामान लेने आए हैं। दोस्तों हमने सामान ले लिया है। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फाइनली अपने घर और मैंने बाइक सही करवा ली है। बाइक में प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने सामने तो देखा ही था, काफ़ी ज़्यादा बाइक में प्रॉब्लम हो गई थी। उसके ब्रेक वगैरह सारे फेल हो गए थे, वो तो भगवान का शुक्रिया कि मैं गिरा नहीं। तो दोस्तों सभी लोगों का मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों सभी लोग मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहें और मेरे वीडियो को अंत तक देखा करें। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया आज मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके ब्रेक वगैरह पूरी तरह डैमेज हो गए थे, तो आगे पीछे दोनों के ब्रेक शू डलवाए। तो आप लोगों ने बाकी मेरे वीडियो में आप लोगों को दिखाई है कि कैसे वो ब्रेक्स वगैरह डैमेज थे, तो नई चेंज करवाई है मैंने। तो दोस्तों आज संडे में हमने यही काम करवाया है अपनी बाइक का, क्योंकि दोस्तों ये बाइक हमारी बहुत हेल्प करती है ऑफिस वगैरह में जाने के लिए, और कोई साधन नहीं है, एक बाइक ही सहारा होता है जिससे हम लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों तो बाइक पूरी तरह बिल्कुल अच्छी हो गई है और आरव ने चॉकलेट भी खरीदी है। आरव चॉकलेट दिखाओ। दोस्तों ये देखिए, आरव ने छोटी छोटी दो चॉकलेट ली है डेयरी मिल्क की, आप देख सकते हैं ये कितना खुश है, देख सकते हैं। दोस्तों सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल में और सभी लोग बने रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, और सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, सभी लोगों का साथ चाहिए। और आप लोग देख सकते हो ये मैं दिन में बना रहा हूँ, कितनी ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, और लाइट में इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है मोबाइल, क्योंकि मैं अपनी वीडियो जो है मोबाइल से ही शूट करता हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं नॉर्मली अपने फ़ोन के कैमरे का ही यूज़ करता हूँ और जो रियलिटी होती है घर में मैं वही दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज देखते हैं प्रीतो जी दोपहर में क्या बनाएंगी, क्योंकि आज संडे का दिन है। मैंने अपनी बाइक सुधरवाई है जाके, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रेक्स वगैरह सब फेल हो गए थे, तो दोस्तों मैं उसे ही रिपेयर करवा रहा था, अभी आप लोगों ने देखा ही था। उसके बाद मैं कुछ सामान दुकान से लेके आया और आरव ने चॉकलेट भी ख़रीदी थी। तो दोस्तों ये देखिए चॉकलेट का मज़ा उठा रहे हैं, देखते हैं प्रीतो जी क्या बना रही हैं आज। दोस्तों
पीतो जी आज क्या बनाने वाली है? पालक पनीर। तो पीतो जी आज पालक पनीर बना रही है दोस्तों, बहुत बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी पालक पनीर बनाएंगी। और आप लोगों को देखना, देखना आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रीतो जी बहुत ही अच्छी पालक पनीर की सब्जी बनाती हैं। और मैं पनीर वगैरह लेके आ गया हूँ और बस अभी प्रीतो बनाने वाली हैं। थोड़ा सफाई वगैरह चल रही है मेरे घर में, आप लोग देख सकते हैं। प्रीतो जी ये घर की, ये देखो घर की लक्ष्मी हैं, ये देखो काम कर रही हैं। और दोस्तों सभी लोग बने रहे मेरे चैनल में। दोस्तों ये देख सकते हैं आरव क्या कर रहे हैं, ये देखें अब इनको भूख लगी है। ये देखो आरव जी खाना खा रहे हैं। नहीं नहीं रोटी के साथ खेलना नहीं है, खाई जाती है, आप लोग देख सकते हैं आरव खाना खा रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं आरव क्या खा रहे हो, दोस्तों को बताओ। ये पराठा खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पराठा, और आलू मट्ठे की सब्जी खा रहे हैं जो कि कल शाम को प्रीतो जी ने बनाई थी। और अभी प्रीतो जी पालक पनीर बनाने जा रही हैं, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। तो दोस्तों सभी लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचती रहे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूं दिन रात, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग, और अगर मुझे कभी टाइम मिलता है आफ्टरनून तो मैं आफ्टरनून में भी ब्लॉग डालता हूं। जैसे संडे वाले दिन मैं 3 ब्लॉग्स डालता हूँ टोटल, क्योंकि संडे में मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है क्योंकि ऑफिस का भी वर्क नहीं होता है इतना ज़्यादा, और संडे में ऑलमोस्ट छुट्टी होती है। कभी कभी जाना हो तो ब्लॉग मिस होता है, वरना तो मैं अक्सर 3 ब्लॉग डालता ही हूँ, आप लोगों तो देखते ही हैं। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ, मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों। हेलो दोस्तों, आरव जी अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। आरव खाना फिनिश किया आपने? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आरव कैसे खा रहे हैं, देख सकते हैं, और ये पराठे का आनंद उठा रहे हैं। आरव आओ मेरे दोस्तों को दिखाओ कि क्या खा रहे हैं। तो दोस्तों आरव जी कैसे टहल टहल के खा रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं। ये हैं आरव जी, ये हमारे छोटे से बच्चे हैं आरव, देख सकते हैं कितना नोटी बॉय है, और ये बहुत एंजॉय करता है पूरे दिन मेरे साथ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्रीतो जी आज पालक पनीर बना रही हैं, आप लोग देख सकते हैं ये पालक काट रही हैं, नाव बनाई है और फटी गई। आरव जी नाव बनाते हुए घूम रहे हैं। ये देखिए बचपन में आप लोगों ने भी बहुत कागजों से नाव बनाई होंगी। ये देखिए आरव जी भी बना रहे हैं, कैसे नाव बनाई, कैसे नाव बनाई, फट गई पूरी।